सिंगरौली में एबीवीपी की छात्राओं ने लव जिहाद व हरियाणा में बहन अंकिता तोमर के साथ हुई घटना को लेकर एबीवीपी खंड प्रमुख पूर्णिमा सिंह के नेतृत्व में कन्या महाविद्यालय व शासकीय महाविद्यालय में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया व अंकिता तोमर के साथ हुई घटना को लेकर सभी को जानकारी दी। साथ ही सभी ने अंकिता तोमर के साथ हुई घटना में इंसाफ की मांग की। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा पूर्णिमा सिंह ने सभी छात्राओं के बीच में कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों से बचने की आवश्यकता है, किसी भी बहन के साथ ऐसी घटना ना हो इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसी घटना किसी के साथ घटने की आशंका हो तो हम लोगों को बताएं, हम लोग उनकी मदद करेंगे। हाथरस की घटना को लेकर कई सामाजिक संगठनों व राजनीतिक पार्टियों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अंकिता तोमर के मामले में सब खामोश हैं। इस पर सवाल पर छात्रा पूर्णिमा सिंह ने कहा है कि एक वर्ग विशेष के लिए तुष्टिकरण की नीति चल रही है जो समाज व देश के लिए अच्छी नहीं है। उस समय लोग जगह जगह ज्ञापन व प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस समय लोग खामोश हैं, जो अच्छा संकेत नहीं है। लोगों को हर जगह राजनीति समझ में आती है। कल महाविद्यालय कन्या कॉलेज में लड़कियों के बीच बैठकर लव जिहाद को लेकर लड़कियों को ये बताया गया कि लव जिहाद क्या है और आने वाले समय में कि लड़कियां लव जिहाद को लेकर सावधान रहे, जैसे अंकिता तोमर जी के साथ हुआ है कि अब आने वाले समय में लड़कियों को इस बात की एकदम सावधान होनी चाहिए कि हमें किसी भी लड़कों के बारे में आकर और किसी भी कास्ट के लड़कों को लेकर तुरंत एक्शन होना चाहिए। अंकिता तोमर जी के साथ जो हुआ है, 2 साल उनको पहले किडनैप किया गया, अगर पुलिस आज एक्शन ली होती तो आज अंकिता तोमर जी हमारे बीच होती। और सबसे बात यह, आज के समय में लड़कियों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर लड़कियां जागरूक नहीं होंगी, ना जाने कितनी अंकिता तोमर ऐसे बलिदान होते जाएंगी। मुझे यही तो हमारे एक भारत के एक बहुत बड़ा एक विषय है कि हर एक मुद्दे को राजनीति। हथराज में जो इतना बड़ा कांड हुआ उसमें सारे संगठन वाले आ गए, लेकिन ये जो हरियाणा में हुआ अंकिता तोमर जी के साथ, उसमें कोई भी पार्टी सामने नहीं आ रही। वोट बैंक में ना जाने कितना कुछ लॉस होगा, कितनी बहनें बलिदान होंगी। ये बहुत ही गंदी सोच है कि एक राजनीति, देखिए हर जगह कुछ एकदम साइलेंट है, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है इसके ऊपर। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।